आठवां सवाल देखिए, प्रश्नावली 10.2। क्या है सवाल? एक व्रत के परिगत, बात को समझो, व्रत के परिगत, परिगत का मतलब हुआ व्रत के बाहर, ठीक है। एक चतुर एबीसीडी खींचा गया है, यानी एक व्रत के बाहर एक चतुर्भुज बना है, उसका नाम क्या रखा है हमने? एबीसीडी। यानी एक व्रत है, इस व्रत के बाहर हमें एक चतुर्भुज बनाना है। तो परिगत का मतलब है जो चतुर्भुज बना होगा उसकी चारों भुजाएं व्रत को छू रही होंगी, टच कर रही होंगी, स्पर्श कर रही होंगी। यानी इस तरह से बनाओ, चार स्पर्श देखना है आप खींच लीजिए, कोई ना कोई चतुर्भुज बनी जाएगा इधर से भी। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, इस तरह से बनाएंगे। इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं होगी क्योंकि हमें वहीं तक जरूरत है जहां पे चतुर्भुज बन रहा है। बात समझ में आ रही है? ये व्रत के परिगत है, चतुर्भुज बन रहा है। और ये व्रत को किन किन बिंदुओं पे स्पर्श कर रहा है? किन किन बिंदुओं पे कर रहा है? ए बी सी। बेटा बिना देखे बोलोगे तो ऐसे बोलोगे। अभी हमने बिंदुओं के नाम ही नहीं लिखे, ठीक है। ये बिंदु है, इसका नाम रखते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रखते हैं R, ये स्पर्श बिंदु है। एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कई बार, वो प्रमेय ये थी कि यदि वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर। तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर चार बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची, दूसरा बिंदु ये है, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची, तीसरा ये है, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची, चौथा बिंदु ये है, ये दो स्पर्श रेखाएं। तो क्या होना चाहिए? ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए। क्यों? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। और चौथा ये है, एक ये स्पर्श रेखा खींची और एक, क्योंकि ये चतुर्भुज जो बना है वो व्रत के परिगत बना है, और व्रत के परिगत चतुर्भुज बनने का नियम होता है कि चतुर्भुज व्रत, चतुर्भुज की भुजाएं चारों भुजाएं व्रत को स्पर्श करेंगी। तो ये व्रत को चतुर्भुज की चारों भुजाएं स्पर्श करेंगी। क्या लिखेंगे हम ज्ञात हैं? ये एक दो तीन चार, ये मैंने जो निशान बनाया ये सिंगल वाला सिंगल के बराबर, डबल निशान जिस पर बराबर डबल वाला निशान के बराबर, इस पर तीन बनाया तीन वाले के बराबर, क्योंकि ये बिंदु है ना, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची गई। आप देख लो, जब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ तब तक तुम लोग प्रमेय नंबर 10.2 देख सकते हो, सिद्ध भी करवाइए, मैंने उसमें साफ साफ सिद्ध करवाया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है। देख लिया सबने? तुमने बेटा कुछ ज्यादा देख लिया, बहुत खुशी हो रही है दोनों पीछे बच्ची। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ खड़े हो दोनों। हाँ क्या नाम है? काजल। काजल, तुम्हें बेटा बड़ी खुशी हुई वाली बात जान के? नहीं सर, इनसे ये कह रहे थे मतलब किताब ले आओ जाकर। अरे ये तुमने बेटा बहुत अच्छी बात की, जाओ लेके आओ, दोनों लोग जाओ लेके, ये लो किताब है यहाँ पर पैक। हाँ नहीं, हाँ पीछे पास कर दो। ज्ञात है इसका, ठीक है। ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगी किताब ना हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी इतना खुश हो बेटा, ये लोग इसलिए परेशान है, ठीक है। किताबें लेके आ रहे हैं, पढ़ना है, पढ़ने वाला ज्यादा परेशान रहेगा। 25% दिमाग जब हम खाली बैठ के सोचते तब लगता है, और जब पढ़ रहे होते तो 25% से ज्यादा हमारे शरीर की ऊर्जा पढ़ाई में लगती है। कौन ऊर्जा नष्ट करे? आगे बोलो, ये बच्ची बहुत तरक्की करेगी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं वृत्त को
क्रमश किस किस बिंदु पर प्रतिच्छेद स्पर्श कर रहे हैं? बिंदु भुजाएं, पहले भुजाओं का भी नाम लिख दो, ए बी बी सी सी डी तथा ए डी, वृत्त को क्रमश कौन कौन से बिंदु ए बी कर रही है स्पर्श, किस पर? पी पर। बी सी स्पर्श कर रही है क्यू पर, और सी डी स्पर्श कर रही है आर तथा एस पर स्पर्श। कितनी बात हम क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस ए डी प्लस। सवाल मिल गया भाई? काजल मिल गया सवाल? ये किताब लेके रख लिया, देखना मैंने चेक कर, मिला सवाल नहीं ना? हाँ ठीक है, सिद्ध करना। अब हम करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में मैंने आपको बताया हम शुरुआती वहां से करेंगे जो हम प्रमेय जानते हैं, और प्रमेय क्या है? वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींचे गए स्पर्श रेखाएं। तो आप देख रहे हैं इस बिंदु से सी से ये जो क्या ये वाला ज्यादा बड़ा बिंदु दिख रहा है, यहां से एक स्पर्श रेखा यहां तक हुई और एक स्पर्श रेखा यहां तक हुई, ठीक है? तो बीपी किसके बराबर होगा? डी क्यू, बिल्कुल ठीक है। बीपी बराबर होगा डी क्यू, क्यों बराबर होगा? तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। कैसी होती है? बराबर, ठीक है? तो ये वाली बात हमने बता दी। इसी प्रकार एक लिख दिया, बाकी सब क्या लिखोगे? इसी प्रकार बताओ कौन कौन बराबर है? सी क्यू बराबर है आर सी के, सी आर के, और डी आर बराबर है डी एस के, और एस बराबर है ए डी के। अब इनका प्रयोग हम जो हमें सिद्ध करना है उसमें करेंगे। पहले हमने अपनी जानकारी से इतना मटेरियल निकाल कर रखा कि भाई ये चतुर्भुज वृत्त को स्पर्श कर रहा है, और जब स्पर्श कर रहा है तो ये तो बाह्य बिंदु से खींची हुई दो स्पर्श रेखाएं नजर आ रही है जो आपस में बराबर होंगे। ऐसे हमारे पास एक दो तीन चार जोड़े आ रहे हैं जो आपस में बराबर हैं। अब हम देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करने में तो एल एच एस लेके चलते हैं और आर एच एस आ जाता है। एल एच एस लेके चलो, क्या सिद्ध करना है? क्या है एलएचएस? ए बी प्लस, ठीक है? जब कुछ समझ में नहीं आया तोड़फोड़ कर दो, ए बी को तोड़ दो। कहाँ है ए बी? ए बी कितने भागों में टूट रही है? ए बी प्लस बी बी, ए बी प्लस और सी डी, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, आर डी एम, ठीक है? क्योंकि ये दोनों ए बी प्लस बी बी के बराबर ए बी है और सी डी जो है वो डी आर प्लस डी बी के बराबर। अब तोड़फोड़ भी लिया, खाली बैठे हैं सवाल समझ में नहीं आ रहा, तोड़फोड़ लिया, अब क्या करो? इधर उधर करो, लौट उधर। छोटा बच्चा होता है पहले वो आटे का डिब्बा गिराता है या कोई सामान गिराता है, फिर उसे पकड़ के इधर उधर उठा के इधर उधर करता है। तो छोटा बच्चा समझो अपने आप को, इधर उधर कर दो सब, इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसा करो। ये ए पी लिखा है और ये क्या लिखा है? पी। अच्छा मान तो रखो पहले, ए पी का मान कितना है? ए पी का मान कितना है? पी बी का मान कितना है? पी या बी पी? बी कितना है? बी क्यू। सी आर का मान कितना है? सी क्यू। और आर डी का मान? डी एस।
ठीक है, ये क्या कहें इसको, एपी पीवी सीआर तथा आरडी के मान रखने पर, ठीक है, ये हमने लिख दिया था, पता नहीं लगे कहां से आ गई चीज। अब ऐसा करो, जिसमें एस आ रहा है उन्हें एक साथ लिख लो, जिसमें क्यू आ रहा है उन्हें एक साथ, एस प्लस और बी क्यू प्लस आप कहोगे ऐसा क्यों करो, क्या सवाल तो हल नहीं हो रहा, पहले हमने तोड़ लिया, तोड़ के भी हल नहीं हो रहा, क्या करें, हमने मान जो निकाले थे वो रख दी सारे मान, अब क्या करें, हम देख रहे हैं ए एस और डी एस, जरा देखना ए एस और डी एस कितना हो गया, तो ए एस प्लस डी एस की जगह लिख देंगे और बी क्यू प्लस क्यू सी कितना आ रहा है, देखो बी क्यू प्लस क्यू सी क्या बन गया, ये आर एच एस आ गया, तो एल एच एस बराबर आर एच, ठीक है, हेंस एल एच एस था कितना हमारा ए बी प्लस और आ कितना गया ए डी प्लस, यही हमें क्योंकि इसमें एल एच एस आर एच एस बराबर ना लिख के एल एच एस का मान लिख दो और निकल के क्या आया आर एच एस का मान निकल के आया, ठीक है, ये आपका एल एच एस था और ये हमारे सवाल के आर एच एस के बराबर आ गया, हमने पूरा सवाल दोबारा लिख दिया, उसके क्या ठीक, इसी का भाई है सवाल नंबर 11, बहुत छोटा सवाल, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज, बहुत ही छोटा सवाल सिद्ध कीजिए, केवल इतना सवाल, तो वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज, तो चित्र यही बनेगा, वृत्त भी यही बनेगा, चतुर्भुज यही बनेगा, लेकिन क्या लिखेंगे हम कि एबीसीडी जो है वो वृत्त के परिघ कैसा है, समांतर, अभी तक क्या था चतुर्भुज था, अब क्या बताया उसने, चित्र यही बनाओ, मैं बना देता हूं, जो इसे कहां टच कर रहा है पी क्यू आर एस, ये पी आर क्या जाते हैं हमें, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं वृत्त को क्रमशः कहां कहां टच करेंगे पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करें, हमें क्या सिद्ध करना है, सवाल पढ़ के बताओ फटाफट, हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है ना लिखा है वो बोलो सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, और सम चतुर्भुज होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर, आपका अगर वर्ग की भी होती है लेकिन वर्ग जो है उसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री नहीं, बर्फी काजू वाली खाइए ऐसी होती है ऐसी होती है
तो जो बर्फी का शेप होता है वो आपका समचतुर्भुज के शेप में होती है, चारों भुजाएं बराबर और कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं। कक्षा 9 में हमने अगर पढ़ाया होगा तो बताया भी होगा कि काजू की बर्फी इस तरह से क्यों कटती है, जिससे नंबर ऑफ पीस ज्यादा है, क्योंकि समान लंबाई के वर्ग और समचतुर्भुज में क्षेत्रफल जो है वो समचतुर्भुज का कम होता है। देखो भाई इसमें पूरा सवाल तो यही वाला से लगा है, बिल्कुल सेम, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे ही। और सिद्ध करते करते आप यहां आ जाएंगे उपपत्ति, और ये पूरा सिद्ध करेंगे यहां से, ठीक है। यहां से यहां तक आने के बाद आपके पास ये आ जाएगा प्रश्न, कौन सा था, 8 की उपपत्ति लिखेंगे। जब पूरी उपपत्ति लिखेंगे यहां पर तो आपके पास लास्ट में यह ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। अब क्योंकि ए बी सी डी एक समानता चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं समान होंगी, तो ए बी भुजा किसके बराबर होगी, और ए बी ए डी भुजा किसके बराबर होगी, क्योंकि ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी और ए डी भुजा बी सी के बराबर होगी, क्योंकि समानता चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। अगर मैं ये मान यहां रख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, बी है हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, समझ में आ गया। बीसी की जगह क्या लिख दिया मैंने, या ए बी की जगह सी डी लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी डी, और ए डी की जगह बी सी लिख दो, बी सी प्लस बी सी, इसमें समस्या सी डी प्लस सी डी कितना हो गया, ये कितना हो गया, दो से दो कट गया, कितना आ गया, और एक समांतर चतुर्भुज की सी डी भुजा बी सी के बराबर है, सी डी इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो गए, और बी सी इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो गए, चारों भुजाएं कैसी हो गई, और ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। या तो ऐसा सिद्ध कर लो, नहीं तो समचतुर्भुज की परिभाषा कक्षा 9 की किताब लेके देखना, उसमें लिखी होगी एक समानता चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, वो भी कौन सी, असमांतर भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं, ये तो समांतर है, असमांतर कौन है, ये और ये, अगर बराबर हो जाए तो वो समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। तो उसी परिभाषा से हम देख रहे हैं सी डी बराबर बी सी हो गया, यानी यहां से हमें पता लगा कि चतुर्भुज वो भी कौन सा, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं समान है, एक ये भी इस तरह से भी लिखा होता है, आसन्न भुजा कौन सी होती है जो एक ही बिंदु से निकलती है, ये और ये वाली दोनों भुजाएं, अगर देखो ये एक्स है तो ये एक्स है, ये वाई है तो ये वाई है, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो चार बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इन्हें कहते हैं जो एक ही बिंदु से निकल रही है दो आसन्न भुजाएं, सी डी और बी सी दोनों कैसी भुजाएं, आसन्न, तो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर है, अतः जिस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर होती है क्या बन जाता है, चतुर्भुज ए बी सी डी ए ऐसा चतुर्भुज होगा, समझ में आ गया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो शुरुआत ही यहां से करते हैं, वो कह देते हैं कि हम जानते हैं कि यदि किसी वृत्त के परिगत हमने एक चतुर्भुज बनाया है तो उसके आमने सामने की भुजाओं का योग दूसरी आमने सामने की भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यहां से शुरुआत। वो कहते हैं भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के, तो ए बी की जगह हमने सी डी रख दी, और ए डी बराबर है बी सी के, ए डी की जगह बी सी रख दी, तो दुगुना हो गया, कट गया, तो आसन्न भुजाएं कैसी आ जाती है बराबर, और जैसी आसन्न भुजाएं बराबर हुई ये समांतर चतुर्भुज क्या बन गया, समांतर।
इतनी कहानी है, नोट करिए।